हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। पवित्र सावन मास शुरू हो चुका है तो आज की वीडियो हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव जहां स्वयंभू प्रकट होते हैं तो प्रकृति में भी कई पेड़ पौधे और फूल ऐसे हैं जिसमें भगवान शिव का आपको दर्शन होता है। सारी सृष्टि में कण कण में शिव विराजमान है। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम शिव कमल के बारे में आपको बताएंगे। शिव कमल नाम का दिव्य पुष्प जिस वृक्ष पर होता है उस वृक्ष का नाम है कैलाशपति। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये वृक्ष बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य वालों को ही इसका दर्शन होता है। दोस्तों, ये वृक्ष अनमोल और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इस पर जो पुष्प लगते हैं इसमें साक्षात शिव विराजमान होते हैं। इस दिव्य और दुर्लभ पुष्प में जलधारी सहित शिव का आकार बनता है जो अपने आप में एक चमत्कार है। जिन लोगों ने नहीं देखा इनके लिए ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, लेकिन सच है। शिव कमल, जिसे नागलिंगम, नागचंपा और कैलाशपति के नाम से भी जाना जाता है, ये पुष्प एक प्रकृति की अद्भुत रचना है। दोस्तों, इस अद्भुत और रहस्यमय पुष्प में साक्षात शिव विराजमान होते हैं। इस दिव्य पुष्प में कमल दल के आसन पर भगवान शिव रूप में विराजमान है और ऊपर शेषनाग सत्र के रूप में छाया दे रहे हैं। ये पुष्प अपने आप में एक प्रकृति का चमत्कार है। तो दोस्तों, इस पुष्प को ध्यान से देखें और प्रकृति के इस अनमोल रचना में भगवान शिव का दर्शन करें। ये प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको भगवान शिव का इस रूप में दर्शन होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि सावन मास और सोमवार के दौरान इस दिव्य पुष्प को भगवान शिव को अर्पण करने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पुष्प के बारे में विस्तार से। ये दिव्य पुष्प जिस वृक्ष पर पाया जाता है इस वृक्ष का हिंदी नाम शिव कमल और कैलाशपति है, जबकि गुजराती में नागचंपा, शिवलिंगी और कैलाशपति से जानते हैं। इसका तमिल नाम नागलिंगम और तेलुगु नाम नागमल्ली है। इसका वैज्ञानिक नाम कुरोपिता ज्ञानचिस है। इसे कैनन बॉल ट्री से भी जाना जाता है। अशोक वृक्ष के समान ही इस वृक्ष को भी तने पर फूल लगते हैं। फूलों के बाद इस पर फल लगते हैं जिसका आकार गोल गेंद के समान होता है। ये फल बहुत सख्त और तोप के गोले के समान आकार वाले होते हैं, इसीलिए इसे कैनन बॉल ट्री से भी जाना जाता है। इसके पत्र सप्तपर्ण के वृक्ष के समान होते हैं। ये वृक्ष सीधा बढ़ता है और 80 से 90 फीट ऊंचा होता है। इस वृक्ष की जड़ें जमीन में बहुत दूर तक जाती है। ये वृक्ष ज्यादातर दक्षिण एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। इस वृक्ष को भारत में बालवाटिकाओं में, उद्यानों में और शिव मंदिरों में बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप इस दिव्य पुष्प को किस नाम से जानते हैं यह जरूर बताएं। इस वृक्ष पर बरसात के मौसम में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। सावन मास के दौरान इस दिव्य पुष्प की बहुत ज्यादा मात्रा में मांग रहती है। दोस्तों, माना जाता है कि सावन मास और सोमवार के दौरान इस दिव्य पुष्प को भगवान शिव को अर्पण करने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है।